ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं हरियाणा में नेता विपक्ष अभय चौटाला जी। अभय जी, अगर 2019 में आईएलडी सत्ता में आती है तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा आईएलडी का, आप या फिर कोई और? ये सवाल जो है ना, आजकल एक बड़ा चर्चा का विषय मीडिया ने बना करके रखा हुआ है जी। और मैंने कोई सफाई देने की जरूरत नहीं जी। हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जी, पहले तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आपने भी इस बात को औरों की तरह स्वीकार कर लिया जी कि आईएनएलडी की अगली सरकार बनने जा रही। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आती नहीं, अगर मगर तो है ही नहीं ना जी, अगर मगर खत्म है जी। आज की तारीख के अंदर मीडिया में इस बात की बड़ी चर्चा रहती है कि किसी तरह से इस तरह के सवाल करके और आईएनएलडी को दो जगह पे बांटने की एक प्रयास होता है जी। हमारी पार्टी के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं जी, और हमारे यहाँ पे बड़ा एक संवैधानिक तरीका है मुख्यमंत्री के पद के लिए जी। हमारी पार्टी में ऊपर से नहीं थोपे जाते जी। चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे जी, जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त भी इस किस्म की बात बड़ी चर्चा का विषय बनाया था कि मुख्यमंत्री चौधरी रणजीत सिंह को बनाया जाए जी, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बनाया जाए। उस वक्त 100% पार्टी की हमारी जो सीनियर लीडरशिप थी, एक कोर कमेटी है, उसकी बैठक होती है। उस बैठक के अंदर चर्चा की जाती है और उस बैठक में फिर ये तय किया जाता है कि इसकी जिम्मेवारी किसको सौंपी जाए। आज की तारीख में भी हमारे जो हैं, अब हमने पिछले दिनों हमारी हरियाणा प्रदेश की स्टेट की बॉडी को डिजोल्व किया था। इसलिए डिजोल्व करी थी कि 2 वर्ष हो गए थे और 2 वर्ष के बाद जब हम नई मेंबरशिप बनाते हैं हमारी पार्टी की, नई मेंबरशिप के बाद नए लोगों को चांस देते हैं, जो लोग नई मेंबरशिप के लिए और ज़्यादा मजबूती के साथ संगठन को बड़ा करने में काम करते हैं जी। आप मान करके चलो कि आप अगर एक व्यक्ति के सारे पे ही सारी जिम्मेवारी छोड़ दोगे जी, तो फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आनी शुरू हो जाती जी। इसलिए हमारी नई बॉडी बनी। अब जब नई बॉडी बनाई गई है तो उस वक्त भी बाकायदा स्टेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर सब ने एक निर्णय के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अथोराइज किया कि भी आप नई बॉडी अधिकृत करें। उसके बावजूद भी चौटाला साहब ने जी, जिन नए लोगों को जिम्मेवारियां अपने तौर पे दी है जी, जिनकी जल्दी वो आकर के अनाउंसमेंट करेंगे, उन्होंने उनकी जिम्मेवारी सौंपते दफा भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर साथी हैं पार्टी से जुड़े, उन सबको बुलाया, उन सबसे पूछा कि आप बताओ मुझे कि कौन कौन लोग जो हैं मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाते रहे जी, ताकि मैं उन लोगों को ये जिम्मेवारी आगे सौंप सकूँ। और उन्हीं साथियों ने चर्चा करके उनके सामने नाम रखे, उन्होंने फिर उन नामों के ऊपर मोर लगाने का काम किया। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी, जब सरकार इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी, तो उस वक्त भी बाकायदा तौर पे कोर कमेटी जो हमारी बनी है उसकी कमेटी की मीटिंग होगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अधिकृत करेंगे उस दिन भी कि आप जिसको कहोगे वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा जी। यहाँ कोई झगड़ा और विवाद नहीं है, झगड़े और विवाद केवल मीडिया की देन है जी। सिर्फ आप कह रहे हैं कि मीडिया बना रहा है इसको, मीडिया जो है मीडिया जी, ये मीडिया, मुझे आप बताओ कोई एक भी हमारी पार्टी के पदाधिकारी जी कभी खड़े होकर के कहा हो कि फलाना आदमी मुख्यमंत्री बने? हमारी पार्टी में तो कहीं इसकी चर्चा का विषय है नहीं। ये तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने जो अपना मीडिया सेल बना रखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पिछले दिनों अपने घर में एक मीटिंग करी जी अपने मीडिया सेल की, और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जी, उसकी वीडियोग्राफी है जी। उसके अंदर उसने बकायदा तौर पे जिम्मेवारी लगाई कि एक प्रचार तो करो कि बसपा का और आईएनएलडी का जो गठबंधन है वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, वो टूट जाएगा जी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर ये गठबंधन रह भी जाए तो इस किस्म का प्रचार करो कि दुष्यंत और अभय सिंह चौटाला के बीच में बड़ा फ्रैक्शन है इसको लेकर जी। फिर उसने ये भी कहा कि तीसरा ये प्रचार भी करो कि अगर अभय सिंह चौटाला कल को मुख्यमंत्री बनेगा तो दुष्यंत पार्टी छोड़कर के बीजेपी में चले जाए जी। ये कांग्रेस ने अपने घर के अंदर बैठ करके इन लोगों ने इस किस्म के षड्यंत्र रचने की कोशिश करी है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं पार्टी एक है और आपके और दुष्यंत के चौटाला के बीच में कोई मतभेद नहीं? कोई किसी चीज का नहीं,
वो मेरा नेफ्यू है जी, मैं उसकी जिम्मेवारी लगाता हूँ। आज भी जी आपको मैं बता दूं जी कि हम ये जो जेल भरो आंदोलन कर जी, इस जेल भरो आंदोलन के अंदर हमने अपने तीन नेताओं की ड्यूटी लगाई है जी। एक रामपाल माजरा की लगाई है, एक हमारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी की लगाई है, और तीसरी जिम्मेवारी हमने दुष्यंत को सौंपी है जी। सात डिस्ट्रिक्ट मैंने दुष्यंत को दिए कि इन सात जिलों में जाकर के जेल भरो आंदोलन की जो कार्यकर्ताओं के आगे ड्यूटियां लगानी है, जिम्मेवारी लगानी है, वो आपकी जिम्मेवारी है जी। और आप ही वहाँ जा करके उन वर्करों के साथ बैठ करके इसके कैसे लोग आए उसमें जी, और किस तरह से इसका आयोजन है, इसका इसकी जिम्मेवारी आपकी रहेगी जी। इसी तरह सात डिस्ट्रिक्ट अशोक अरोड़ा जी को दे रखे हैं जी, और सात ही जिले रामपाल माजरा जी को दे रहे हैं। वो अपने अपने जिलों में जा रहे हैं, जाकर के काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आईएलडी जो है सत्ता में आएगी, आप कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं? नहीं नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मैं नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज़ आज की तारीख में, आप एक चीज़ बताओ जी, अगर हम सत्ता की तरफ नहीं बढ़ रहे तो फिर आपको इस सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। आपको भी इसका मतलब पत्रकार अंदर से पत्रकार का नहीं, तो, नहीं नहीं पत्रकार आपको, का तो सवाल, आपको भी सवाल आप, पूछना बनता है। आपको जी, भी जी, आपको भी जब कभी अपने साथियों के बीच में बैठते हो तो 100% इस बात पर चर्चा करते हो, और 100% आपको दिखाई दे रहे कि 100 की 100% गठबंधन की सरकार अगली बनेगी, यहाँ 87 फिर दोहराया जाएगा। अपनी कमाई से 33% जो है उनको सरकार को देना होगा। इस फैसले को फिर पहले लिया गया और फिर वापस लेना पड़ा सरकार को। मैं आपको इससे भी ज़्यादा एक और बात करना चाहूँगा जी, इससे अलग हट करके थोड़ा जी। हमारे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने से पहले जी हर संगठन के जो लोग थे जी, जो सरकार में थे, जो नौकरी कर रहे थे, और जो कच्चे कर्मचारियों के रूप में भर्ती किए हुए थे जी, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया हुआ था, एडोक बेस पे लगाया हुआ था, जिनको डीसी रेट पे लगाया हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते एक पॉलिसी बनाई का कि हम इनको इन सबको पक्का कर दिया जाए, और उसके अंदर एलजी से राय से आपके जो लीगल जो होता है एल ए जो होता है उससे राय ली गई, उसने मना किया कि आप इस तरह का फैसला नहीं कर सकते जी। उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया, और उस वक्त में जो गेस्ट टीचर लगे या आंगनवाड़ी के जो वर्कर थे या और अनेक अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे जी, बीजेपी के नेताओं ने जा करके उनके साथ वायदे किए थे जी, उनसे ये कहा था कि हम आपको पक्का करने का काम करेंगे जी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार के खिलाफ इनके किए हुए वायदे के अगेंस्ट इनको वो वायदे याद दिलाने के लिए रोजाना सड़क पर ना आए जी, कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कोई गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था आंगनवाड़ी की वर्करों ने गिरफ्तारियां दी हैं पूरे स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जा करके। उनके साथ फरवरी में बैठ करके इनका समझौता हुआ था कि आप जिस मांग को लेकर के चंडीगढ़ आई हो, चंडीगढ़ में विधानसभा का सेशन चल रहा था और सेशन के अंदर इनकी और ज़्यादा भिद ना पीटे जी, इसके लिए उन्होंने उनके साथ समझौता किया और वायदा किया कि हम इस समझौते को लागू करेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा था कि आंगनवाड़ी की वर्कर इसलिए गिरफ्तारियां दे रही है कि उनसे किया हुआ वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया जी। हर वर्ग के लोग इनके सामने आज खड़े हैं, किसान के साथ वायदा किया वो पूरा नहीं किया जी, व्यापारी के साथ वायदा किया उसको पूरा नहीं किया, कर्मचारी के साथ जो वायदा किया उसको पूरा नहीं किया जी। जो बात आप कर रहे हो स्पोर्ट्समैन की जी, स्पोर्ट्समैन का जो 33% इन्होंने मांगा उसके लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे नोटिस में नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के नोटिस में कोई चीज़ नहीं है जी, और उसका मंत्री अगर मुख्यमंत्री को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए अपनी मर्जी से फैसले करता है जी, तो फिर मान करके चलो जो बात हरियाणा प्रदेश में आज चल रही है कि मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुनता और मुख्यमंत्री के आगे अधिकारी नहीं सुनता जी। एक फैसला तो ये लिया, जो फैसला बकायदा मुख्यमंत्री के नोटिस में है, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना मेरे नोटिस में नहीं है, हमने आरटीए में वो सारे दस्तावेज मांगे हैं जी, और जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने बकायदा तौर पे उसको देख करके अपनी तरफ से रिकमेंड किए इसको लागू कर दिया जाए जी। उसके बाद अब जो नया फैसला लिया है जी, 33% वाला तो वापिस ले लिया जी, जी अब एक नया ले लिया जी कि हम जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ी जो हैं उनको कोई नगद पुरस्कार नहीं देंगे। बिल्कुल, ये राशि हमने शुरू करी थी हमारे राज में जी, इसलिए शुरू करी थी
कि चौधरी बंसीलाल उससे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी थी, और जो नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा था, उस नौजवान ने क्या किया कि कैसे इजी मनी उसको मिले, इसके लिए शराब की तस्करी शुरू कर दी। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाने वाले थे, जिनके बस्ते के अंदर किताब होनी चाहिए थी, कापी पेंसिल होनी चाहिए थी, वो बच्चे भी उनके अंदर दारू रख करके गांव में और शहर में सप्लाई करने लगे थे। उन बच्चों को कैसे उससे उनका ध्यान दोबारा फिर से सही रास्ते पे उनको लाया जाए, इसके लिए हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये रखा था कि जो मिनी खेलने वाला बच्चा भी होगा, जो 5 से 10 साल की उम्र में खेलता है, उस बच्चे के लिए भी हमने नगद पुरस्कार रखे, ताकि उसके उम्र के बच्चे उसको देख करके खेल की तरफ उनका ध्यान बढ़े। और इसी तरह हमने जूनियर, सब जूनियर सबके नगद पुरस्कार रखे थे कि इन बच्चों को पुरस्कार मिले, ताकि और नई पीढ़ी के लोग जुड़े। अगली चीज़ देखने वाली है जी। इन्होंने जहाँ हमारे इस भविष्य को रोकने का प्रयास किया, खिलाड़ी कैसे हरियाणा प्रदेश का रुके, वो मेडल ना जीत करके लेकर के आ सके, जो इन्होंने इस तरह के डिसीजन लिए, उसके लिए एक नया डिसीजन और आ गया इनका जी। आज स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वहाँ 57 ऐसे स्कूल हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर प्लस टू के, जिनके अंदर से बहुत सारा सब्जेक्ट इन्होंने विड्रा कर लिए, जबकि सब्जेक्ट बढ़ाने चाहिए कि कोई भी बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करे, किस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में पढ़ना है। अगर मान लो मेरे गांव के स्कूल के अंदर गणित का सब्जेक्ट जो है इन्होंने विड्रा कर लिया, जो बच्चे गणित लेना चाहेंगे, अगर गांव में गणित का सब्जेक्ट ही नहीं होगा क्लास में, तो उसको फिर 20 मील दूर जाना पड़ेगा अगले हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। बात तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की करते हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ बेटियों को 20 किलोमीटर दूर स्कूल के लिए पढ़ाई के लिए जाना पड़े, इसके लिए उनके सब्जेक्ट विड्रा कर लेते हैं, यही हालत कॉलेजों की कर दी। उसके अलावा आज की तारीख का एक फैसला है सरकार का जी, कि जो 15% हमारी रिजर्वेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में थी जी, जो आपके डिप्लोमा के में थी जी, जो और अलग अलग इंस्टीट्यूट जो बने हुए थे जिनमें 15% हरियाणा के बच्चों के एडमिशन होते थे जी, आज भारत के दूसरे प्रदेश जो हैं उनमें तो 15% का कोटा ज्यों का त्यों है जी, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने वो कोटा खत्म कर दिया। हरियाणा प्रदेश के बच्चे को रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले, इसके लिए भी एक बड़ा षड्यंत्र इस सरकार ने किया है, कैसे यहाँ के बच्चों को नौकरी से वंचित किया जाए, रोका जाए, ये बड़ा मतलब सीरियस मैटर है। मैंने विधानसभा में ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखी, मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को ये बात जरूर बताना चाहूँगा जी, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने ये कहा है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम नौकरी में भाई भतीजावाद खत्म करना चाहते हैं जी, इन्होंने ये कहा कि बच्चे जो हैं मेरिट के ऊपर नौकरी पास के, बिल्कुल हम इसके लिए इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं जी। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था, इस प्रदेश की 70% आबादी गांव में रहती है जी, गांव के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, 30% लोग शहर में रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि गांव वालों में सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 60-65% बच्चे गांव के आज भी ग्रामीण स्कूल में पढ़ते हैं जी। पहली बात तो वहाँ टीचर नहीं है, स्टाफ की कमी है, उनके रिजल्ट्स जो है स्टाफ की कमी की वजह से मान करके चलो मुश्किल से कोई बच्चा पास हो पाता हो। अब नौकरियों में मेरिट बनाई, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा मेरिट का आधार क्या है, आधार उन्होंने बताया कि 10वीं के जो मार्क्स हैं वो, 10वीं के बाद 12वीं के जो मार्क्स हैं वो, फिर उसके बाद उसके डिप्लोमा के, उसकी ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, या किसी ने कोई डिग्री और ले रखी है उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे जी। अगर इस तरह की मेरिट बना करके बच्चों को नौकरी दी जाए जी, तो फिर हरियाणा प्रदेश का ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक भी बच्चा उस जॉब में नहीं जा सकता, क्योंकि शहर में जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी मेरिट बनती है 70% से ऊपर, और गांव के स्कूल का जो रिजल्ट है, मैंने इस वर्ष का स्कूल का रिजल्ट देखा है जी, टोटल उस रिजल्ट को देखा जाए तो 44 पॉइंट कुछ बनता है जी, तो 44 वाला कैसे उसको बीट करेगा जिसके 70% है, बिल्कुल। और जो शहर में पढ़ा प्राइवेट स्कूल में बच्चा उसके 70% मार्क्स हैं जी, तो फिर इसका मतलब तो सीधा हो गया कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको तो नौकरी नहीं मिल सकती, उस नौकरी में तो बड़ी रुकावट सरकार अपने आप बनी, सरकार ने जानबूझ करके उन बच्चों को नौकरी से रखा वंचित किया जाए, इसके लिए बड़ी अच्छी योजना बना दी।
हमने मुख्यमंत्री से जब इस पर सवाल किया, मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों के साथ भी भेदभाव ना हो, हरियाणा प्रदेश के किसी भी जाति और विशेष के साथ भेदभाव ना हो, तो फिर इसके लिए आपको 20% ग्रामीण स्कूल में पढ़ करके आने वाले बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स देने चाहिए, ताकि वो भी उसके बरोबर खड़ा होकर के उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सके। उम्र बढ़ाने से कोई रोजगार नौकरी नहीं मिलेगी जी। इसके लिए 100% ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरिट के अंदर उस बच्चा उस बच्चे के साथ आकर के खड़ा हो सके, इसके लिए उसको ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर सीधा सीधा ये है कि मुख्यमंत्री सभी हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के अंदर गांव का बच्चा आगे बढ़ सके जी। ना खेल में बढ़ने दे रहे जी, ना पढ़ाई में बढ़ने दे रहे, ना नौकरी में, ना रोजगार में, किसी भी चीज में। मतलब 100% किसान का, गरीब का, कमेरे का जो बच्चा है आज उसकी अनदेखी हो रही जी। अभी जी 4 साल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पिछले 4 साल को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार करप्शन मुक्त सरकार जो है हरियाणा को दी है। 3.5 साल हुए अभी तक जी। इस 3.5 साल में 3 बार प्रदेश को आग के हवाले किया, 4थी बार भी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को फिर से, हालात खराब हो इसके लिए जब विदेश के दौरे पर जा रहे थे तब उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो नमाज पढ़ता है बाहर खुले में जी, उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, उसको खुले में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर खुले में नमाज पढ़ने के लिए कोई दिक्कत आ रही है किसी को जी, तो सरकार उनके लिए जगह तय करे जी, सरकार उनको छत दे, पहले उनके लिए छत का इंतजाम करे, फिर उनसे जा कर के कहे, उनको समझाए कि भी आप यहाँ बैठ के पढ़ने की बजाय नमाज यहाँ भी अदा कर सकते हैं जी। लेकिन केवल इसके अंदर भी प्रदेश के आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए इस किस्म का बयान दिया गया जी। 3.5 साल में आज हर वर्ग को दुखी और परेशान आप देख रहे हो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इस 3.5 साल में इन्होंने तो इस प्रदेश को तोड़ने के प्रयास किए, इन्होंने तो सबसे पहले रामपाल के वक्त के अंदर 6 लोगों को बिना मतलब मौत के घाट उतार दिया, पुलिस के इनके पुलिस को ठीक ढंग से डायरेक्शन नहीं दे पाए, और जब पुलिस के हाथ पांव फूल गए तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई, और उसके बाद मिलिट्री को बुला करके रामपाल को पकड़ के ले जा करके कोर्ट में पेश करना पड़ा। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 19 तारीख को हमारे साथ बैठ करके मीटिंग करके फैसला करके ये कहता है कि इसी सेशन के दौरान हम इनको आरक्षण दे देंगे जी, और बाहर जाकर के मीडिया में मुकर जाते हैं जी। उसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में 32 इनोसेंट बच्चों की जान चली जाती जी, 1000 करोड़ की संपत्ति आग के हवाले कर दी गई जी। उसके बाद 3री दफ़ा इन्होंने जब बाबा राम रहीम का जो इशू था जी, उसके अंदर इनके मंत्रियों ने बयान दिए, उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप पंचकुला में आओ, हम आपका ठहरने का, खाने का, रहने का सब तरह का बंदोबस्त करेंगे। और जब लोग आगे चल करके वहाँ कोर्ट बारी बारी से कह रही थी, बारी बारी से ये कहा जा रहा था कि इस पंचकुला को खाली कराया जाए, इन्होंने खाली कराने की बजाय उनको निमंत्रण दे करके बुलाया, और जैसे उनके खिलाफ फैसला आया, लोग जब फैसला सुन करके भावुक हुए, आगे बढ़े जी, तो फिर इन्होंने उनको गोलियों से मारने का काम किया। ये तो पहले बुलाते हैं, फिर मारते हैं, मार के फिर ये कहते हैं हमारे से गलती हो गई, फिर कंपनसेट करते हैं, पैसे देते हैं, फिर अपने आप को कहीं उनसे सहानुभूति लेना चाहते हैं। मतलब ये एक ऐसी सरकार है जिसने आज तक कोई भी एक ठीक निर्णय नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को छोटी मोटी राहत मिली जी। अभय जी, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर किया है अपना यहाँ पर, आपको लगता है कि आपको लगता है चुनौती है आम आदमी पार्टी हरियाणा में? हर आदमी को इस देश में अधिकार है जी, हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश माना गया जी। कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी बनाए, कोई भी व्यक्ति कहाँ से जाकर के चुनाव लड़े, इस पर कोई पाबंदी नहीं जी। आम आदमी पार्टी भी आकर के चुनाव लड़े, क्या कोई उनको रोक सकता है इस बात के लिए जी? तो लोगों ने फैसला करना है कि हमने अब की बार किसको वोट दे करके इस प्रदेश की बागडोर सौंपनी है जी। आम आदमी पार्टी की आप बात तो करो कि वो चुनौती बनी जाएगी कल जी, आम आदमी के पार्टी के मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। हरियाणा के लोग इतने आप ये मत मान के चलना जी कि
दिल्ली की तरह हरियाणा के लोग भावुक होकर के इसके साथ लग जाएंगे। जो आदमी अपने प्रदेश को नहीं संभाल सका, जिसको जाकर के रोज धरने देने पड़ते हैं, रोज जाकर के कहीं ना कहीं ये नाटक करना पड़ता है कि मैं तो तुम्हारे लिए बैठा हूँ, तू मुख्यमंत्री है, मजबूती के साथ अपना फैसला ले जी, और फैसला लेकर के लड़ाई को लड़। ये कौन सा तरीका ड्रामा है रोज का कि जिसके बाड़ने पे जाए वहीं जाके धरना देकर के बैठ जाए। जी अभय जी, पहले पहले कितने लोगों को गालियां दी, फिर सबसे माफी मांगी। मतलब आप ये मान के चलो कि लोगों का विश्वास उस नेता पे होता है जी, जो नेता अपनी जबान के ऊपर खड़ा रहे जी। ये तो अपनी जबान पे कहीं रुके ही नहीं बेचारे। अभय जी, आखिरी सवाल, 2019 में आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव मैदान में उतरेगी, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें? आज तो कांग्रेस की हालत तो हरियाणा प्रदेश में आपके सामने है कि 6-7 जगह पे आपस में बटे हुए हैं। ये लोग तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ पार्टी के नेता बट जाए, लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ जाता जी। लोग उस 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को अब तक नहीं भूल पाए जी, जिस 10 साल के अंदर कांग्रेस के लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया जी। आज 3.5 साल से ज़्यादा समय बीजेपी की सरकार को बने होंगे, जहाँ उन्होंने लूटा, इन्होंने 3.5 साल में इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया जी। इसके लिए मुद्दों की जरूरत नहीं है, मुद्दे तो सरकार अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जी। इस सरकार ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी वजह से कोई नया मुद्दा लेकर के आने की जरूरत पड़े। इस सरकार की जो हालत है जी, आज आम आदमी इस बात का इंतजार कर रहा है कि अगर कल चुनाव हो जी तो कल ही इनको सत्ता से बाहर लोग कर दें जी। अभय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने आपने जो मेरे से बात करी जी, मैं चाहूँगा कि आप ये सारी बातें लोगों तक जरूर पहुँचाएं। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करूँगा जी कि आप मुख्यमंत्री को और हुड्डा जी को भी किसी सार्वजनिक मंच के ऊपर लेकर के आओ, ताकि प्रदेश के लोगों के सामने सारी की सारी बात जी खुल करके जी लोगों को बताई जा सके जी, लोगों को पता लग सके कि पिछली सरकार ने क्या किया जी, इस 3.5 वर्ष की सरकार में क्या हुआ जी, और आने वाले समय में जी जो आने वाला समय है जी, उस समय में फिर लोग उस बात पर निर्णय लें कि हमने किसकी सरकार बनानी जी। जरूर, तो ये थे नेता विपक्ष हरियाणा में अभय चौटाला जी। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।